हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी व्रत में खाए जाने वाला स्नैक्स जो बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है पनीर, धनिया की पत्ते, 5 से 6 खड़ी हरी मिर्च, 5 उबले हुए आलू, इसे हमने उबाल के छील लिया है। तो अब हम लोग इसे क्यूब्स में कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आलू हमने कट कर लिया है, अब हम लोग पनीर को भी कट कर लेंगे ऐसे क्यूब्स में ही। तो ये देखिए हमने पनीर को भी कट कर लिया। तो अब हम लोग आलू और पनीर को फ्राई करेंगे। इसके लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और अब हम लोग कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम लोग पनीर और आलू में डालते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, मिला लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तो इसमें हम लोग घी डालेंगे क्योंकि हम लोग ये व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप ऐसे ही स्नैक्स बना रहे हैं तो आप इसमें तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच घी। तो घी को गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें आलू और पनीर को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे आलू और पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने आलू और पनीर फ्राई कर लिए हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे धनिया और हरे मिर्च का पेस्ट भी हमने बना के तैयार कर लिया। अब उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इसमें हम लोग डालेंगे हरे मिर्चे और धनिया की पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालेंगे मिक्सर में और उसको भी डाल देंगे। अब इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा और हमने आलू और पनीर में भी थोड़ा सा सेंधा नमक डाला था। मिला लेंगे और अब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, ये पेस्ट हल्का लाल हो गया है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे पनीर और आलू, मिला लेंगे। आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाना है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, तो जिससे इसमें थोड़ा खट्टापन भी आए। मिला लेंगे। अब इसे हम लोग 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो गया है और हमारा चटपटा आलू पनीर बनके तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा चटपटा आलू पनीर बनके तैयार है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। तो आप इसको किसी भी व्रत में बनाइए और खाइए, ना ज़्यादा मेहनत लगेगी और ये बहुत हेल्दी भी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।